दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग का बुधवार को इनॉग्रेशन हो गया। इसे बनाने में करीब दो दशक का समय लगा। 27 किलोमीटर लंबी ये है गोटहार्ड बेस सुरंग। इससे ज्यूरिख से नॉर्थ इटली के मिलान के बीच अब महज 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा, जो पहले के मुकाबले 1 घंटे कम होगा। इससे रोजाना 260 माल गाड़ियां और 65 पैसेंजर ट्रेनें गुजरेंगी। इस ट्रैक पर ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकेंगी। ये सुरंग सी लेवल से 550 मीटर ऊपर और स्विट्जरलैंड के सबसे ऊंचे माउंटेन क्रेस्ट से 2300 मीटर नीचे है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर इस सुरंग का निर्माण किन बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस नए रेल ट्रैक को बनाने का मकसद रेल भाड़े को कम करना है। इसके अलावा इसमें ज्यादा से ज्यादा भारी सामान ले जाया जा सकेगा। इससे रोड ट्रांसपोर्ट पर दबाव कम हो जाएगा, साथ ही पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। सन 1947 में सबसे पहले एक स्विस इंजीनियर ने इस सुरंग का पहला डिजाइन बनाया था। प्रोजेक्ट की बढ़ती गई कॉस्ट, प्रोसेस में देरी और दूसरी परेशानियों की वजह से ये प्रोजेक्ट 1999 तक टलता गया। तब से 17 साल में और 12 बिलियन स्विस फ्रैंक से ज्यादा की लागत से बनी ये सुरंग, और इस सुरंग को बनाने में इंजीनियर्स को करीब 73 तरह के रॉक्स को ब्लास्ट करना पड़ा। दिसंबर में इस रूट पर सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। ज्यूरिख से मिलान के बीच की दूरी अब कम हो जाएगी। ये सफर 1 घंटा कम होकर 2 घंटे 40 मिनट का हो जाएगा। गोटहार्ड रेल सुरंग के इनॉग्रेशन के बाद से ये जापान की 53.9 किलोमीटर लंबी सिकोन सुरंग को पीछे छोड़ देगी। इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाली 50.5 किलोमीटर लंबी चैनल सुरंग अब तीसरे नंबर पर चली जाएगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।